हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो फाइनल अपडेट्स आए थे उस पे मैंने वीडियो बनाया था। बहुत अच्छा, बहुत बच्चों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, कमेंट बॉक्स में बहुत लिखा, लेकिन बच्चे फिर परेशान हैं, कह रहे सर कैसे पॉसिबल है, पूरे साल भर हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स पे एग्जाम की तैयारी कराई, अब यूनिवर्सिटी कह रहा है एमसीक्यू बेसिस पे लेगा, वो भी दो पेपर्स को मिला, एक पेपर होगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तीन पेपर को मिला एक, कैसे हम कर पाएंगे सर बताइए। और डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वहां तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, वहां कुछ भी डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ भी लिख के आते थे तो आपको मार्क्स मिल जाता था, 10 नंबर का आया तो 4 नंबर तो मिल ही जाता था, यहां तो राइट होगा तभी आपको मिलेगा नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आप बच्चों के बीच में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में हूं, रोज मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस कमेंट्स बॉक्स में लिख के आ रहा है कि सर कैसे होगा बताइए। तो मैंने फाइनली अब क्लासेस के का भी डिक्लेरेशन मैं आज करूंगा यहां पर, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सीरियस हो जाइए और आपका एग्जाम होना फिक्स है, डेट्स भी आ गई हैं 29 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर की बात कर रहा हूं, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में ओल्ड पैटर्न्स पे एग्जाम होगा जैसे होता था, वहां ईच एंड एवरी पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जैसे थे वैसे होंगे, कुछ पेपर एमसीक्यू होते थे वो जैसे ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं, बट यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम यूजी लेवल पे एमसीक्यू बेसिस पे होंगे, पीजी लेवल में 70% एमसीक्यू है और 30% आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज आया हूं और मैं आपको कैसे एमसीक्यू एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे आप, इसका मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं। एक मेरे तरफ से सजेशंस हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और 1 जुलाई से मैं अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको सब बताऊंगा लास्ट में कैसे क्लासेस होनी है एमसीक्यू बेसिस पे। मैं मेरा प्लान तो नहीं था, लेकिन बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह वो प्रॉब्लम में हैं, जिस तरह वो परेशान होकर मुझसे बातें कर रहे हैं, रोज मेरे पास बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को देख के मुझे लगा कि चलो बच्चे कर लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनको गाइडलाइन की जरूरत है, उनको हेल्प की जरूरत है और मैं इस रो में अब आगे काम करना शुरू कर चुका हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि कैसे आप एमसीक्यू बेसिस पे प्रिपरेशंस करेंगे, कुछ चीजें मैं यहां रखा हूं इस पे आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले मेरे सजेशंस बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरे टिप्स को फॉलो करिएगा। फर्स्ट, आप डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस का स्टडी नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आपको अगर सोचे कि कहीं से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया किसी साइट से या बुक्स में और आप सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है पूरी किताब की एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ के याद कर पाना रट पाना, और क्या ये जरूरी है कि सेम एमसीक्यू क्वेश्चंस आप एग्जाम में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं देखा हूं बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधे एमसीक्यू की किताब उठाते हैं या किसी से नोट्स ले लेते हैं एमसीक्यू का, या किसी वेबसाइट से जाके एमसीक्यू क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। ये काम तो आप बिल्कुल मत करिएगा, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो एग्जाम जाते जाते जो आप पढ़े हैं सब भूल जाएंगे, क्योंकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, बहुत से एक एक चैप्टर से 50-50, 100-100 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनते हैं। अगर मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूं ना तो 100 से कम क्वेश्चन नहीं बनेंगे सर। अगर मैं आपको सैलरी पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स में तो 100 से कम क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या पॉसिबल है क्या इतने क्वेश्चन को रट्टा मार लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहली बात, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को शुरू में नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आप तब पढ़ेंगे जब उस चैप्टर्स को आप स्टडी कर लेंगे जिस चैप्टर्स पे बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आइए कुछ चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं और उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट है बुक्स, इसका कोई ऑप्शन नहीं, टेक्स्ट बुक चाहिए आपको। आप सब जिस सब्जेक्ट्स के हैं उस सब्जेक्ट्स का टेक्स्ट बुक ले लीजिए, ये बाजार के छोटे पतली पतली गाइडें आती है ना, इससे आपका एमसीक्यू का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा, कतई मत करेगा। मैं देखता हूं बहुत पूरे सालों बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं खरीदते हैं और ये बाजार की पतली पतली गाइड उठाकर पढ़ लेते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऐसा संभव है, लेकिन क्या इस एग्जाम में वो पतली गाइडों से आपका काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले बुक्स चाहिए और वो बुक्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का चाहिए। अब आप कहीं से मैनेज कर लीजिए, किसी सीनियर से ले लीजिए,
ठीक है, कहीं से ले लीजिए, बुक्स आपके पास चाहिए, बुक्स किस लिए, रीडिंग करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस का सबसे बड़ा फंडा है रीडिंग। आप जब तक बुक्स को रीडिंग नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, आप बुक्स मैनेज कर लीजिए। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं उसी किताब रखिए, इनकम टैक्स की किताब रखिए, सारी किताब कहीं ना कहीं से मैनेज कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स रखिए और इससे आपको रीडिंग करना, कैसे रीडिंग करना है अभी मैं आपसे बात करूंगा। सेकेंड सिलेबस, आप सबके पास बुक्स के साथ अनसॉल्व्ड पेपर होगा। आप जब स्टडी करते हैं तो मान लीजिए बीकॉम में हैं आप, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अनसॉल्व्ड पेपर आता है, उस अनसॉल्व्ड पेपर में सिलेबस होता है। मैं अनसॉल्व्ड पेपर का सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सिलेबस के लिए, उसके क्वेश्चन से तो मतलब है नहीं मुझे, उसमें तो सब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और हमको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, हमको क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू बेसिस का। तो हम अनसॉल्व्ड पेपर सिर्फ किसके लेंगे, सिलेबस के लेंगे। पता कि बुक्स में और भी चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं, उसको भी आप पढ़ लें। तो आप सबसे पहले बुक्स लेंगे, उसके बाद सिलेबस चाहिए आपको, सिलेबस अनसॉल्व्ड पेपर में मिल जाएगा या किसी से अनसॉल्व लेके अपने मोबाइल में उसका पिक ले लीजिए तब भी हो जाएगा। दो काम। तीसरा, आपको कॉपी चाहिए। ऐसी स्टडी ओरल नहीं होता, ऐसे स्टडी माइंड से नहीं होता, ऐसे स्टडी को एमसीक्यू बेस के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कॉपी पे एक एक वर्ड एक एक लाइन लिखना है, वह लाइन जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे होगा। तो आपको कॉपी चाहिए सेपरेट, और मोटी कॉपी चाहिए आपको। अगर सपोज कर लीजिए कि आप कॉर्पोरेट अकाउंट में हैं और कॉर्पोरेट अकाउंट में 10 चैप्टर है, तो एक चैप्टर के लिए आप कम से कम 7-8-10 पेज दीजिए, यानी आप कम से कम 200 पेज की एक कॉपी लीजिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप सबके लिए अलग कॉपी रखिए, कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए अलग, एफएससी के लिए अलग, ऑलटी के लिए अलग। हाँ, अगर बहुत मोटी कॉपी है उसमें दो पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है चलेगा। और आपके पास डायरी है तो डायरी यूज कर लीजिए आप, वो भी आपका काम हो जाएगा। यानी आपको कॉपी रखनी है, सेपरेट कॉपी रखनी है ईच सब्जेक्ट वाइज। अगर कॉपी मोटी है तो एक में दो पेपर काम कर लीजिए। तो आपको बुक्स चाहिए रीडिंग करने के लिए, सिलेबस चाहिए ये देखना है कि जो आप रीडिंग कर रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है कि नहीं। कॉपी चाहिए जिसमें आप अपना नोट्स बनाएंगे, और नोट्स कैसे बनाएंगे मैं इस पर अभी आपके साथ काम करूंगा, बताऊंगा। फिर कॉन्सेप्चुअल, अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करिए तो ये एमसीक्यू बेसिस एग्जाम जो होता है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस होता है। आप ऐसे एग्जाम्स में कैसे क्या करेंगे, पूरी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे आप, यानी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे आप। जैसे आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं तो इश्यू ऑफ शेयर्स में जो अकाउंटिंग होती है, जो एंट्रीज होती है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है। अभी मैं आपको रिपीट करूंगा वैसे, तो आपको कॉन्सेप्चुअल जाना है, स्टोरी नहीं पढ़ना है। पहले किताब में क्या होता था, एक बार आप एक चैप्टर रीडिंग कर लेते थे, दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई चलो क्या है। ऐसे मान लीजिए आपने मार्केटिंग पढ़ा, मार्केटिंग में आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, एक बार आपने पढ़ लिया और एग्जाम में कंज्यूमर पढ़े हैं, कुछ भी आया आपने लिख दिया, लेकिन यहां तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अब आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, जो कॉपी आपने बनाया है उस कॉपी पे आपको नोट्स बनाना है। नोट्स में नोट्स जो बनेगा वो नोट्स किस बेसिस पे होगा, जरा ध्यान दीजिए आप, वो नोट्स कीवर्ड्स, उस नोट्स में कीवर्ड्स आएंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो आएंगे, कीवर्ड्स आएंगे। फिर उस कीवर्ड्स के बाद वो कैसे, वन लाइनर, यानी आपको पूरा पोथा नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको कॉपी में एक एक लाइन में काम करना है, वन लाइनर स्टेटमेंट लिखने हैं, बस वन लाइनर स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें क्या कवर हो जाएगा, यानी आप अपनी कॉपी में जो नोट्स लिखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करेंगे आप, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कोई एक्ट है तो उस एक्ट का नाम, जैसे प्रेजेंट टाइम में इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप इंडियन कॉन्टेंट एक्ट पढ़ते हो, दैट इज इंडियन कॉन्टेंट 1872। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हो 1930। आप कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट पढ़ते हो 1986। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हो 1881। आप फेमा पढ़ते हो 2000।
दीज आर योर एक्ट। तो जहां एक्ट है उस एक्ट को लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज, उसमें कई ऑप्शन होंगे, आपका आंसर होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट हो गया। सेक्शंस, सेक्शन से बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं सेक्शंस हर सेक्शंस को पढ़ने को नहीं बोलूंगा, की सेक्शंस की जो मुख्य जो मेन सेक्शन होता है उसको पढ़ना है। जैसे इनकम टैक्स में आप आ गए, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी मिलता है अंडर सेक्शन 60 में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आ गया, आप चले गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 57 में आते हैं डिडक्शन। तो इस तरह आप पढ़ेंगे, आप एटीसी में मैक्सिमम कितने का डिडक्शन मिलता है आप वहां चल के, एटीटी किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन से सर। उसके बाद ईयर, बहुत से इंपॉर्टेंट ईयर्स भी हैं, किस साल इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ, कंपनीज एक्ट किस साल पास हुआ, ठीक है, वो ईयर ईयर इसमें आ गया। तो ईयर रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेम्स, बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नेम्स के, जैसे फर्स्ट टाइम इंडिया में इनकम टैक्स किसने लगाया, तो जेम्स विल्सन लगाया, ऐसे बहुत से नेम्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने कॉपी में और नोट्स आपको तैयार करना है, और ये नोट्स चैप्टर वाइज तैयार करना है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखना भी नहीं है शुरू में। एमसीक्यू क्वेश्चन आप तब देखेंगे जब आपका उस चैप्टर के रिगार्डिंग रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी और रीडिंग के साथ नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। और बिलीव करिए जो तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको साफ साफ सामने दिखेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जानते हैं आप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, उनके लिए जो बच्चे सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक बिना पढ़े नहीं है। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन में जहां आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं वहां आप कैसे ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है उस क्वेश्चन का, वहां कुछ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी लगती है। तो जब अभी नहीं बताऊंगा वो ट्रिक्स, क्योंकि वो उनके लिए है जो पढ़े हैं। जैसे मैंने चार में से दो ऑप्शन आ रहे हैं, उन दो में से एक पक्का है, तो वहां आप कैसे अडॉप्ट क्या अप्लाई करेंगे। तो मैं एक वीडियो अभी नहीं, जब एग्जाम्स आएगा तब बनाऊंगा कि एमसीक्यू में जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसके लिए क्या ट्रिक्स अप्लाई करना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ क्वेश्चन के ए आंसर, कुछ क्वेश्चन के बी आंसर, कुछ क्वेश्चन के सी आंसर, कुछ क्वेश्चन के डी आंसर, इसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी चलती है। उसके ऊपर वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर, उसके नीचे वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो बीच वाले क्वेश्चन का आप एस्टिमेट अंदाजा सकते हैं, बट ये उनके लिए जो पढ़े हैं। इसलिए अभी मैं ऐसे किसी टॉपिक्स पे आपसे बात नहीं करूंगा। अब आइए आप नोट्स कैसे बनाएंगे इस पे आते हैं, नोट्स कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें तो मैंने कुछ जो टिप्स मैंने आपको बताने की कोशिश की बता दी। अब मैं आता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर, लेता हूं इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आए पहले कंपनी की बात करें, कॉर्पोरेट अकाउंट में तो कंपनी अकाउंट्स, तो सबसे पहले कंपनी क्या है, कंपनी के डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, आप जानते हैं परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है, डिफरेंट उसके पहले उसके फीचर्स आप अपनी कॉपी पे लिखिए, कौन कौन से कंपनी के फीचर्स होते हैं। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स में आइए, शेयर्स क्या होता है उसको एक लाइन में लिखिए, जैसे शेयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल लिख दिया आपने। उसके बाद शेयर कैपिटल क्या होता है, कि कंपनी को शेयर इश्यू के थ्रू जो कैपिटल मिलता है वो शेयर कैपिटल हो गए। शेयर दो तरह के हो गए, हेडिंग दीजिए इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों लाइन लिखिए। फिर दोनों में डिफरेंस कॉलम बना लीजिए, पांच छह डिफरेंस लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स वो लिखिए, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो इस तरह आप क्या करेंगे, उनका की लाइन नोट्स बना दिए जाएंगे। उसके बाद शेयर किस प्राइस पे इशू होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। न्यू कंपनीज एक्ट में शेयर पार और प्रीमियम इशू होता है, डिस्काउंट इशू नहीं होता है। उसके बाद कंपनी शेयर इशू का प्रोसीजर्स क्या है, कंपनी का एप्लीकेशन मनी कम से कम फेस वैल्यू के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी कब अलॉटमेंट करेगी, जब तक उसके पास 90% एप्लीकेशन ना आ जाए, ठीक है। एक कंपनी जो शेयर फॉरफिट करती है, जब री इश्यू करती है, तो उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। कॉल्स इन अरियर्स
और कॉस्ट इन एडवांस पे क्या इंटरेस्ट होता है, एडवांस पे 12% पर एनम और अरियर्स पे 5% पर एनम इंटरेस्ट होता है। तो ये सब आपको वन लाइनर पोस्टर में लिखना है, कॉपी आप रीडिंग करते जाइए और जहां ये पॉइंट्स मिलते जाए अपने कॉपी पे उसको नोट करते जाइए। और उसको कैसे नोट करिए, एरो बना के नोट करिए उसको। आप जैसे मैं बनाया हूं ना ये स्टार, ये आप एरो बना के ऐसे ऐसे आप जैसे बुलेट बना दीजिए, जैसे बना दीजिए एरो बना करके लाइनर, मैं देखिए ध्यान दीजिए वन लाइनर लिखा हूं। दिस एग्जाम इज टोटली बेस्ड ऑन वन लाइन और आप अपने कॉपी पे एक चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 लाइन लिखिए, 50 लाइन। और कैसे लिखिए, बुक्स को रीडिंग करते हुए, बुक्स स्टार्ट करिए जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा उसको नोट करिए। कंपनीज एक्ट, प्रेजेंट कंपनी एक्ट 2013 पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उसके नीचे जिससे बताऊं शेयर्स के रिगार्डिंग आप काम करते जाइए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है, कॉल्स कैसे होते हैं, कॉल्स में कितने दिन का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप बनाते हुए चलेंगे। और मैं इनकम टैक्स में आऊं तो कैसे अब बात करूंगा मैं आपसे, इनकम टैक्स में आ गया तो यहां बता दिया भाई, सबसे पहले प्रेजेंट इनकम टैक्स 1961, सबसे पहले भारत में टैक्स 1860 में लगा था, टैक्स जेम्स विल्सन ने लगाया था, ठीक है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब से ये लॉ चला आ रहा है, 1961 अभी भी चल रहा है। हर साल पार्लियामेंट में फिनांस मिनिस्टर फाइनेंस एक्ट लाते हैं जिसमें टैक्स रेट डिसाइड होता है। अब टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है, फिनांस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं। जिस एक्ट में लाते हैं उस फाइनेंस को फिनांस एक्ट कहते हैं। टैक्स स्लैब, टैक्स का रेट क्या है, एज वाइज है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन सबके अलग अलग है। सेस का रेट क्या है, ऐसे आएंगे एक पर्सन में कौन इंक्लूड्स है, एसएससी कौन कौन होता है, प्रीवियस ईयर का पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स प्रीवियस ईयर कब इंस होता है 31 मार्च, असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऐसे क्वेश्चन बनते हुए चले गए आपके, फॉलो कर रहे हैं। और किसी एसएससी की डेथ हो जाए तो उसकी जगह उसके फैमिली में जो होगा उसको एसएससी मान लिया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, डीम्ड एसएससी कहेंगे। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में आइए, तो एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स असेसमेंट से क्या रीजन है, कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं, सैलरी में आ जाएगी तो इंटरटेनमेंट अलाउंस की कितनी छूट मिलती है मैक्सिमम, स्टूडेंट एडमिशन मैक्सिमम कितना मिलता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है, स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स की मिलती है वो एग्जेम्प्ट है क्या है, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे आगे, ऐसे एक एक लाइन में करिए। आप न्यूमेरिकल मत करिए, मैं आपको किसी पेपर में न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन जितने आएंगे उसमें से कुछ आपको छोड़ने भी हैं, 230 करना है, अगर 150 क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन करने हैं, तो न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, मत करिएगा, लेकिन पढ़े रहेंगे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप उसका नोट्स बनाइए, एकदम आज से ये काम आप शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे सजेशन को फॉलो कर रहे हैं और आप डेली, अब आप क्या करिए, सारे पेपर्स की अलग अलग कॉपी बना लीजिए, कॉर्पोरेट कॉपी अलग बनाइए, एफएससी कॉपी अलग बनाइए, ठीक है, और एडवांस ऑयल की कॉपी अलग बनाइए। ये सारी चीजें करेंगे तो आपके अंदर जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे ना, जो तरीका बता रहा हूं इस तरीका को अडॉप्ट करते हैं, देखिए आपका 70% जो आपके अंदर डर है वो अपने आप निकल जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो ये सजेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से आप इसको फॉलो करेंगे। मैं जानबूझ के वीडियो लेके आया हूं क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूं। फिर मैंने कहा यार एक हम वीडियो बनाएंगे जहां आपको सजेशन देंगे कि कैसे आप क्या करें, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ध्यान रहे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एजिटेशन होगा, आंदोलन होगा, उनको ये करना पड़ेगा, आप सब इस चक्कर में मत पड़िए, आप ही पढ़ाई करिए, एग्जाम होना फिक्स है, डेट्स भी आगे है। अब सुनिए मैं क्या करने वाला हूं, 1 अगस्त से, यानी कि 1 जुलाई से मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं एमसीक्यू बेसिस पे। ये इस क्लासेस में क्या क्या होगा, मेरा वीडियो होगा, यानी कि इसमें क्या क्या पाएंगे आप, वीडियो पाएंगे, नोट्स उसी वीडियो में नोट्स होंगे आपके, और प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे।
मेरा प्लान एक सब्जेक्ट से, अगर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कितने एमसीक्यू बनेंगे, लेकिन मेरा प्लान 1000 एमसीक्यू एक पेपर के लिए है। अगर वो पेपर छोटा है तो 500-600 एमसीक्यू में हो जाएगा, अगर वो पेपर बड़ा है तो 1000 एमसीक्यू में जाएगा। तो मैं जितने भी तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है, क्वेश्चंस रिटेन लिखे जा रहे हैं, अब उसका टाइप करना शुरू हो गया। लेकिन कोचिंग ये बंद है, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शंस है कि कोचिंग अभी नहीं खोलेंगे, कोई स्कूल नहीं खुलेगा, इसलिए अभी ये काम हम लोग अपने कोचिंग के एप्लीकेशन से करेंगे। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां सर्च करेंगे संजय ट्यूटोरियल्स, वहां आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। मंथ के लास्ट तक 28 तक उसमें कोर्सेज बन के जाते जाएंगे और उसी कोर्सेज को जाके आपको वहां से ले लेना है। बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे। इसके अलावा मैं बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर भी डालूंगा। मैं चाहता हूं जो बच्चे परेशान हो उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो मैं दोनों तरीके से यूट्यूब प्लस अपने कोचिंग एप्लीकेशन के थ्रू आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने की पूरी प्लानिंग कर लिया हूं 1 जुलाई से, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, चाहे वो टैक्स हो, अकाउंट्स हो, ऑडिटिंग हो, मार्केटिंग हो, बीआरएफ हो, कंपनी लॉ हो, सारे पेपर्स का मैं प्लान कर रहा हूं और मे बी हमें लगता है कि हम उस पर सक्सेस भी होंगे। ठीक है, बस आप अपना डर निकालिए और आज जो मैंने तरीका बताया है इस तरीका को यूज करिए और आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए, वन लाइनर नोट्स, ध्यान रहे वन लाइनर कीवर्ड्स, और बना के मुझे व्हाट्सएप भी करिए, तब मैं देखता हूं कि आप कितना काम कर रहे हैं। अगर कल तक आपने रियल में मुझे नोट्स बना के व्हाट्सएप किया तो मैं समझ गया कि यू आर सीरियस, अदरवाइज मैं समझूंगा कि अभी भी आप एग्जाम के मूड्स में नहीं है और अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम टल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही था, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है मेरे लिए। इतना अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप कम से कम मेरे चैनल्स को प्रमोट करिए और मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए। ठीक है, आगे मैं आपके साथ क्लासेस में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।